छतरपुर में गुंडों बदमाशों से जनता परेशान है। आए दिन कई बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस गुंडों और बदमाशों के घर जाकर उनको चेतावनी दे रही है। अगर किसी घटना में उनका नाम आया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में सुबह से ही चिन्हित गुंडों और बदमाशों के घर पर भारी पुलिस बल पहुंचना शुरू हो गया था। पुलिस ने उनके दरवाजे पर ढोल नगाड़े और लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी दी, जिससे गुंडे माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान गुंडे और बदमाशों के घरों का सीमांकन भी कराया गया। पुलिस का कहना है अगर अवैध निर्माण होगा तो उसे ढा दिया जाएगा। दरअसल छतरपुर में एसपी सचिन शर्मा द्वारा गुंडे माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अगर किसी भी बदमाश का नाम किसी भी अपराध में आता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और इस चेतावनी को लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस ड्रोन कैमरे से भी फोटो और वीडियोग्राफी कलेक्ट कर रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 60 गुंडे बदमाशों को शहर में चिन्हित किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराध रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो चिन्हित गुंडे हैं, जो लगातार सक्रिय हैं अपराधों में, उन्हें चिन्हित किया गया है और अपराधों को रोकने के लिए उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इन गतिविधियों में ना रहें। अगर वो इस टाइप की गतिविधियों में लगातार रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।